क्या आप दिल्ली में नए हैं, या फिर आपको ये नहीं पता कि कौन सी बस कहाँ जाती है, या आपको ये नहीं पता कौन सी मेट्रो कहाँ जाती है, या आपको नहीं पता है कि कौन सी मेट्रो का प्लेटफॉर्म कहाँ निकलेगा, कौन सी मेट्रो का कहाँ नहीं निकलेगा, या आपको इन सब चीज़ की समस्या हो रही है, आप दिल्ली में नए हो, या फिर आप दिल्ली में नए नए हो, बेसिकली आपको नॉलेज नहीं है, या फिर आप घूमने के पर्पज़ से आए हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊँगा और ऐसे ऐप के बारे में बताऊँगा जो आपको डिजिटल बना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, जिससे आगे भी आपको न्यू वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर को खोल लेंगे, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से भी लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आपको सर्च करना है दिल्ली मेट्रो मैप फेयर, ये देखिए टॉप पे ही आ जाएगी दिल्ली मेट्रो मैप फेयर, ये ऐसे करके यहाँ पर ये आ रखी है और मैंने डाउनलोड कर रखी है इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इसको कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी होगी, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली मैं आपको सारे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम मेट्रो मैप देख लेते हैं। तो मेट्रो मैप में अभी तक मेट्रो के जहाँ जहाँ मेट्रो गई है उसके पूरा मैप है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैशाली, कौशाम्बी, आनंद विहार, करकरडूमा, प्रीत विहार, मयूर विहार, ये सारा यहाँ तक मेट्रो जा रखी है। तो ये पूरे मेट्रो के मैप हैं, इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, याद करना है याद कर सकते हैं। यहाँ पर ये लाइन के बारे में दिखा रखा है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो इसमें सिंपली इतना ही था, बस मैप ही था, बाकी आपका दूसरा आता है फेयर एंड रूट, तो इसको देख लेते हैं हम। अब जैसे मान लीजिए आपको आनंद विहार से कहीं और जाना है, जैसे आनंद विहार से मंडी हाउस जाना है, तो आप ऊपर डाल देंगे आनंद विहार, आनंद विहार सजेशन में दे देता है आनंद विहार टू मंडी हाउस, मंडी हाउस। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे ऊपर फेयर बताएगा, फेयर हमारा 30 रुपये लगेगा, स्टेशन हमारी 9 आएंगी, 9 स्टेशन के बाद में हम पहुँचेंगे और टाइम हमारा 18 मिनट लगेगा। तो सिंपली आपको देखिए यहाँ पर स्टेशन भी दिखाएगा, आनंद विहार, फिर कटगढ़ूमा, प्रीत विहार, निर्माण विहार, ऐसे करके ये आपको दिखाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ, आनंद विहार टू न्यू दिल्ली, जिससे आपको ये पता लगेगा जैसे मेट्रो अगर हमें चेंज करनी है तो ये कैसे दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी मयूर विहार फेस वन डाल दिया है और आप देख सकते हैं चेंज एट यमुना बैंक, तो यमुना बैंक से चेंज करनी पड़ती है। लेकिन मैं अभी आपको दूसरा लाइन वाला बताऊंगा, जैसे मतलब लाइन चेंज होती है ना येलो वगैरह, उनका बताता हूँ मैं अभी आपको। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं जैसी लाइन हमारी चेंज हुई वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेट्रो का कलर येलो हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और यहाँ पर फेयर वगैरह भी सब बताएगा, स्टेशन टाइम्स वगैरह सब बताएगा। ठीक है, इसमें इतना ही था और अभी हम थोड़ा ऐड देता है लेकिन एप्लीकेशन बढ़िया है। अभी हम आते हैं दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो में सिंपली ये जितने भी स्टेशन हैं सबके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम एम्स की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो एम्स में देख सकते हैं आप स्टेशन कॉन्टैक्ट के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट और प्लेटफार्म आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, गेट नंबर 1 एम्स हॉस्पिटल निकलता है, गेट नंबर 2 अंसारी नगर निकलता है। तो इस तरीके से आपको गेट के बारे में पता लग जाएगा और प्लेटफॉर्म के बारे में पता लग जाएगा, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 हुडा सिटी सेंटर है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 जहांगीरपुरी है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है, आप देख सकते हैं सारे स्टेशन के बारे में है। ट्रेन टाइम, यहाँ पर ट्रेन टाइम मिल जाएगा आपको, लास्ट ट्रेन ये भी मिल जाएगी आपको, और पार्किंग मिल जाएगी आपको, नियरेस्ट बस स्टॉप मिल जाएगा, और यहाँ पर लास्ट वाले पे नियरेस्ट स्पॉट्स मतलब जो हमारी मेट्रो स्टेशन की नियरेस्ट में पड़ती है। जैसे अगर आप अभी कहीं खड़े हुए हो और आपको मेट्रो स्टेशन नहीं पता है, जैसे आपको ये पता है कि आप एम्स के पास खड़े हुए हो लेकिन मेट्रो स्टेशन नहीं पता है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बता देगा।
ठीक है, इसमें भी इतना ही था। और ये बहुत सारे मतलब जितने भी स्टेशन है सबके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ तक हो गया अभी हमारा, और अब हम नियरेस्ट स्टॉप पे आ जाते हैं। तो नियरेस्ट स्टॉप जो मैंने अभी आपको बताया ये वही है फाइंड करने के लिए, मतलब जैसे आपको नियरेस्ट बस या मेट्रो का नहीं पता है तो आप ऊपर कर देंगे तो अपने आप ही वो गूगल मैप पे जाके बता देगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही है सिंपली, इस पे ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस स्टॉप डीटीसी बस, तो डीटीसी बस में अभी आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं इसमें। यहाँ पर आपको पता करना है जैसे कि 73 बस कहाँ जाती है, ठीक है। तो अगर आपको बस का नंबर पता है और बस मतलब ये नहीं पता आपको कहाँ जाना है और लेकिन बस का नंबर पता है तो आप 73 डालेंगे तो पहली तो सजेशन में दे देता है 7 से ही, ठीक है। तो अभी हम 73 डालते हैं, तो 73 पर डालने के बाद हम सर्च करेंगे तो देखिए हरिनगर क्लॉक टावर फिर DDU हॉस्पिटल, ये पूरा इसका रूट बता देगा कि कहाँ कहाँ जाती है, ठीक है। और अभी सिंपली मेरे को जाना है चांदनी चौक, चलिए चांद सिनेमा चल लेते हैं, ठीक है। तो चांद सिनेमा जाने के लिए ये हमें बता देगा कि 301 जाती है, 118 एक्सटेंशन जाती है, ये सारा बता देगा हमें कि कौन कौन सी वहाँ पर जाती हैं बसें, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक दो और बता देता हूँ मैं, बता देता हूँ 443 473 एक्सटेंशन 313 92, ठीक है। तो ये सब मतलब जाती हैं, इससे आप यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे अगर आपको कहीं जाना है तो उसके हिसाब से आपको ये सारी बसें बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और अब आ जाता है हमारा बस रूट। तो बस रूट में फ्रेंड्स हमारा फायदा ये होता है जैसे कि मान लीजिए अभी आपको जाना है लक्ष्मी नगर से आपको जाना है एम्स हॉस्पिटल, ठीक है। तो देखिए लक्ष्मी नगर से एम्स हमारे 623 और 623 एक्सटेंशन जाती है, ठीक है। तो ये बता देगा कौन कौन सी बस जाती है, और अगर चेंज करनी होती है तो ये भी बता देगा कि यहाँ से आपको ये चेंज करनी है। अब मैं चेंज वाला आपको बताता हूँ, तो जैसे मान लीजिए आप जाएंगे तालकटोरा स्टेडियम, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 830 एक्सटेंशन से चेंज एट सरस्वती कुंज फिर 740 एक्सटेंशन, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको चेंजेस वगैरह करने के लिए ये बता देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है चेंजेस बताता है लेकिन वो बस आपको डायरेक्टली मिल सकती है, जैसे 740 आपको गाजीपुर डिपो से भी डायरेक्ट मिल सकती है, ठीक है। तो अभी हम बैक कर देते हैं इसको, इसमें इतना ही था बाकी। अभी हम देखते हैं ऑटो फेयर, तो ऑटो फेयर में आपको जैसे 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में 25 रुपये लगेंगे, और ये रात में आपको जैसे मतलब 11 से 5 के बीच में आपको 31.25 पैसा लगेगा, ऐसे ही आपको डिस्टेंस और भी हैं मतलब जैसे डिस्टेंस के हिसाब से इसमें पैसे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं एंड तक, ठीक है। तो इसको भी हम बैक कर देते हैं, इसमें भी इतना ही था सिंपली। अब ये नीचे हेल्प का ऑप्शन है, तो हेल्प में आप ये देख सकते हैं जैसे दिल्ली मेट्रो वेबसाइट का है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस का है, ISBT इंफॉर्मेशन है, रेलवे स्टेशन की इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी चीज़ नॉर्मली है, ये सारी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं और ले सकते हैं। इसमें सिंपली इतना कुछ खास नहीं है बताने के लिए, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बाकी ये हमने आपको सारे फीचर बता दिए, अब मैं इसका लास्ट फीचर बता रहा हूँ जो कि बेस्ट फीचर है, ठीक है। अभी आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर आपको होम और न्यूज़ मिल रहा है, तो अभी हम न्यूज़ पे क्लिक करेंगे। तो न्यूज़ पे क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये न्यूज़ भी बताता है, जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो से रिलेटेड होगी, बस से रिलेटेड होगी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे आप देखते हैं दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं जरूरी पड़ रही है खबर, वरना चुकानी पड़ सकती है बड़ी कीमत। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी अपडेट्स होता है मेट्रो वगैरह के लिए, ये नॉर्मली थोड़ा बहुत मतलब जैसे सोशली सारा कुछ दे देता है हमें इंफॉर्मेशन, न्यूज़ वगैरह दे देता है। तो इस तरीके से आप इसमें न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाती है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी हमारी आज की वीडियो, और अभी आपने वीडियो देख लिया है आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए जिससे कि आप डिजिटल बन जाएं और आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि फ्रेंड मोस्टली ऐसा होता है कि अक्सर लोग गलत बता देते हैं रास्ता, ठीक है। तो अगर आप किसी से पूछ भी रहे हैं तो आप कन्फर्म करने के लिए इस एप्लीकेशन को ज़रूर रखिए, तो और बाकी तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मतलब एक बार पूछना भी ज़रूरी है तो आप पूछ के इसमें कन्फर्म करके देख सकते हैं, और आप मतलब सिंपली दिल्ली वगैरह को अपने घूम सकते हैं अच्छे से। अगर आप नए हैं तो रह सकते हैं, किसी भी पर्पज से आए हैं तो
तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें, और ऐसी नई नई वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।